हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस समय मैं जा रहा हूँ रामनगर से गढ़वाल के लिए। रास्ते में यहाँ आप देख सकते हैं एक जगह, ये पहाड़ स्लाइड हुआ है ऊपर से। आप देख सकते हैं पूरा रोड बंद कर रखा है, जेसीबी और मशीनें यहाँ पर लगी हैं, ट्रक भी लगा है रोड को साफ करने के लिए। मैं काफ़ी देर से यहाँ पर फंसा खड़ा हूँ। देख सकते हैं मेरे पीछे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। वो ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, बाइक निकलने की भी जगह नहीं है यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं मलबे को किस तरह से हटाया जा रहा है, जेसीबी और ट्रक। आप देख सकते हैं ऊपर से खसकर आया था ये पहाड़, पूरा पहाड़ नीचे स्लाइड हुआ है ये। दोस्तों, दिनों पहाड़ों पर मौसम तो सुहाना होता है, लेकिन पहाड़ों पर चलना बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है। जगह जगह पहाड़ स्लाइड हो जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि पूरी पहाड़ी नीचे आ गई थी खसकर। यहाँ जितना आप देख रहे हैं, यहाँ तक ये मलबा था इसका, वहाँ से मलबा जेसीबी में भरकर फिर यहाँ नीचे पहाड़ी में डाला जा रहा है ये खाई में। तो गाइज, आप यहाँ देख सकते हैं उसके अलावा फिर थोड़ा आगे बढ़कर ये भी पहाड़ स्लाइड हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर से कैसे पत्थर नीचे आए हैं, बहुत बहुत बड़े पत्थर नीचे आ चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये पत्थर, ये सब रोड पे आ चुके हैं। देखो आप, यहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं ये, जिससे कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है कभी भी पहाड़ पे। इन दिनों में चलना बहुत रिस्की रहता है। ये सारे पत्थर यहाँ रोड पे थे अभी कुछ टाइम पहले, ये जेसीबी से ये हटाए गए यहाँ से। रोड ये भी ब्लॉक हो चुका था पूरा। यहाँ आप देख सकते हैं ये पत्थर, कितना बड़ा पत्थर ये ऊपर से आया है रोड में। ये जब ऊपर से आया तो देखा, हाँ देख सकते हैं कि रोड में गड्ढे तक हो गए हैं यहाँ पर इस पत्थर के गिरने की वजह से, जैसा ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये पत्थर से गड्ढा हुआ है रोड की, पूरी क्षतिग्रस्त हो चुका है पूरी तरह से रोड ये। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पहाड़ों पर इस टाइम पर मौसम बड़ा सुहावना है प्लेन के मुकाबले, यहाँ पर थोड़ा ठंडा हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर अभी जैकेट पहन रखा है, नीचे शर्ट पहन रखी है। तो आप इन दिनों अगर पहाड़ का सफ़र करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलें। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, रोड को देखते हुए चलें, जहाँ पहाड़ स्लाइड होने का खतरा हो वहाँ आराम से थोड़ा देख कर निकलें। मेरा वीडियो आपको ये कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।